स्टूडेंट्स, डीसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा देश, पूरा विश्व एक कोरोना नामक की जो वायरस की जो बीमारी है उससे जूझ रहा है, और इस कारण सबसे बुरा असर पड़ रहा है एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि मई में बैच स्टार्ट हो जाते थे, अप्रैल लास्ट में बैच स्टार्ट हो जाते थे और उसके बाद स्टडी आपकी प्रॉपर चलती थी, नवंबर तक हम सिलेबस कवर करवा देते थे। अब इस कारण ऑफलाइन बैच पॉसिबल नहीं है, इस कारण आज मैंने खुद ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्लास 10 का जो सिलेबस है इंग्लिश का, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरा नाम कंवर सिंह हाडा है। तो आप सभी को पता है कि बोर्ड का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का रहेगा, और 80 नंबर का जो पेपर रहेगा वो कितने सेक्शन में आता है, कितने घंटे का रहता है, वो सारी चीजें आप लोगों को आज बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो ये रहेगा आपके 80 नंबर का, और 20 सेशनल मार्क्स होते हैं, तो टोटल 100 नंबर हो गए। तो 80 नंबर की किस प्रकार से आपको अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, तो पहले हम सिस्टम से इसको समझेंगे कि पेपर आता कैसे, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, कौन सा सेक्शन पहले किया जाता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो टोटल जो 80 नंबर का पेपर है इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आता है सबसे पहले सेक्शन ए, और ये सेक्शन ए रहेगा आपका 14 नंबर का। सेक्शन ए कितने नंबर का? 14 नंबर का। अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि अंग्रेजी का कोई सा भी पेपर हो एकेडमिक से रिलेटेड, उसमें बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक जो हमेशा उनके मुंह से हम सुनते हैं, पैसेज। अब वो सीन है या अनसीन है, कोई सा भी हो कि सर पैसेज आना चाहिए। अब इस सेक्शन ए के अंतर्गत आपके 2 पैसेज आते हैं, लेकिन वो सीन नहीं अनसीन रहेंगे। सीन वो होते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक से आते हैं, अनसीन वो होते हैं जो जाने कहां से आते हैं। अब हम सेक्शन ए में किस प्रकार से पैसेज पूछे जाते हैं उनके बारे में समझेंगे। सेक्शन ए के अंतर्गत 2 पैसेज आपके आते अथवा नहीं आते, दोनों आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहला जो पैसेज रहेगा वो आपके 7 नंबर का रहेगा, दूसरा भी 7 नंबर का आता है। अब इनमें टोटल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों में। जो पहला पैसेज रहेगा उसके अंतर्गत 7 प्रश्न आएंगे, जिनमें 2 लास्ट के जो प्रश्न रहेंगे, 6ठा और 7वां, वो प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको एक शब्द में देना रहता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, गद्यांश में से आपको ऐसा शब्द ढूंढना है पूरे गद्यांश में से, पूरे पैसेज में से, विच मीन जिसका अर्थ है, सिमिलर वर्ड। मीन आते समझ जाना है कि हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। अब 6ठा और 7वां इस प्रकार का प्रश्न आता है, कभी कभी अपोजिट वर्ड भी वो डाल देता है, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, या इस प्रकार से आपको वो प्रश्न देगा अपोजिट वर्ड से संबंधित। तो प्रश्न तो टोटल 5 ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें पैसेज में से लाइन टू लाइन पुटअप करना रहता है, लेकिन आखिरी के दोनों प्रश्नों का आंसर आपको एक ही शब्द में देना रहता है। इसके बाद दूसरा पैसेज जो इसमें आएगा, ये जो पैसेज फर्स्ट है उसी प्रकार से दूसरा पैसेज भी आपका इसी प्रकार से आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो ये रहा आपका सेक्शन ए कितने नंबर का? 14 नंबर का, जिसमें 2 अनसीन पेसेस आपको अटेंड करने। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर।
अब आता है आपके सेक्शन बी, सेक्शन बी, और ये भी आपके 14 नंबर का रहेगा। सेक्शन ए जो भी हमने डिस्कस किया वो था 14 नंबर का, इसके बाद सेक्शन बी ये आपके 14 नंबर का है। अब इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे। सेक्शन बी में तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, जैसे पहला दूसरा प्रश्न तो आपका सेक्शन ए से आ गया, दोनों पेसेज हो गए, सेक्शन बी में जो तीसरा प्रश्न आएगा उस प्रश्न में दो टॉपिक आते हैं आपके। पहला है लेटर राइटिंग और दूसरा है ईमेल राइटिंग। आपको जो अच्छे से आता है वो आपको करना है। लेटर पत्र लेखन, आप सभी को पता है कि पत्र किस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब जो लेटर होता है वो भी दो भागों में रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल वो होता है जो हम किसी कार्यालय में भेजते हैं, ऑफिशियल लेटर जिसको कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हमारे रिलेटिव, फ्रेंड सर्किल, तो इस प्रकार जैसे अपने फैमिली मेंबर्स इनको भेजा जाता है, वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इसी के अथवा में एक ईमेल से संबंधित कभी कभी दोनों पत्र भी आ जाते हैं, या फिर एक अथवा में एक पत्र फिर उसके अथवा में ईमेल दे दिया जाता है। अब जो आपको अच्छा लगे वो पहले करना है आपको। जैसे मान लो आपको समझ में आ गया कि मुझे ईमेल बहुत अच्छे से आ रहा है तो आपको वो करना है, आपको समझ में आ जाए मुझे तो पत्र बढ़िया आ रहा है तो आपको वो करना है। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो थर्ड पूछा जाएगा वो आएगा लेटर राइटिंग। ये रहेगा आपके 5 नंबर का, और इसी के अथवा में ईमेल राइटिंग। ये भी 5 नंबर का है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो वही हमें करना रहता है वहां। तो दोनों में से आपको एक करना है। तो ये सेक्शन बी का जो तीसरा प्रश्न है, मतलब दो तो के कौन से सेक्शन एक है, और सेक्शन बी का जो मतलब हम कह सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो आता है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग। 5 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा जो आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों को एक शॉर्ट पैराग्राफ से संबंधित आपको प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आउटलाइन आपको दी जाएगी। उस आउटलाइन की हेल्प लेकर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। अगर आपको मान लो वो टॉपिक आपको अच्छे से याद है, उस टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ आपको याद है, तो आप बिना आउटलाइन का प्रयोग किए भी आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन मान लो अगर ऐसा पैराग्राफ आ जाए जो हमने स्टडी नहीं किया, हमारे नोट्स में नहीं था, तो आप आउटलाइन की हेल्प से उसको आराम से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से तैयारी भी करवाई जाएगी, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाना। तो ये जो शॉर्ट पैराग्राफ आपका रहेगा, और आउटलाइन के अथवा में कोई टॉपिक भी आपको दे सकता है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स को आउटलाइन वाला नहीं आया और उसके अथवा में जो दे रखा था वो अच्छे से आ रहा है, तो वो टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ आप कर सकते हो। तो शॉर्ट पैराग्राफ ये जो रहेगा आपके 4 नंबर का। तो ये क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, जो आपके 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा सेक्शन बी में, जो दूसरा प्रश्न रहेगा और पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा, ये रहेगा शॉर्ट पैराग्राफ से, जिसमें आउटलाइन से रिलेटेड या उसके अथवा में कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको
एक पैराग्राफ लिखना रहेगा। इसके बाद इसी सेक्शन का आखिरी प्रश्न जो पांचवें नंबर पे मिलेगा आपको, और वो रहेगा अगला, ये भी एक आपका पैराग्राफ रहेगा। अब इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो कोई पर्सनालिटी का चित्र दे दिया जाता है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी आया था, वो चित्र देखकर और उसके उससे संबंधित आपको निबंध लिखना रहता है। अभी इस साल जो 2020 में एग्जाम हुआ 10th का इंग्लिश का, उसमें एक बालश्रम का दृश्य दिया गया था और उस चित्र को देखकर आप लोगों को पैराग्राफ लिखना रहता था। बहुत सी बार केवल चित्र दे दिया जाता है और टॉपिक वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता, और उस चित्र को देखकर वहां के सीन को देखकर ही आपको अपनी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ लिखना रहता है, और ये रहेगा आपके पांच नंबर का। तो टोटल हो गए 14 नंबर, सेक्शन बी कंप्लीट है अपना, जिसमें पहला जो प्रश्न रहेगा सेक्शन बी का और पेपर का तीसरा वो लेटर राइटिंग से संबंधित होगा, उसी के अथवा में आपको ईमेल मिलेगा, दोनों में से आपको एक करना है और वो रहेगा पांच नंबर का। इसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा चौथा शॉर्ट पैराग्राफ जो आउटलाइन वाला, ये रहेगा आपके चार नंबर का। इसके बाद आपका जो पांचवा प्रश्न रहेगा पैराग्राफ से संबंधित, वो रहेगा आपके पांच नंबर का। तो टोटल ये सेक्शन बी कंप्लीट है अपना 14 नंबर का। अब हम बढ़ते आगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की तरफ अभी हमने यहां नोट कर लेते हैं एक बार, सेक्शन ए ये था अपने 14 नंबर का। इसके बाद सेक्शन बी ये हो गया 14 नंबर का, पहले 15-15 नंबर के हुआ करते थे, लेकिन आप एक टॉपिक सिलेबस में जुड़ा रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसके कारण एक एक नंबर यहां से कम कर दिया गया, इसलिए 14-14 नंबर के रह गए। और अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन सी, और ये है 15 नंबर। और इस सेक्शन को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सेक्शन सी जो 15 नंबर का है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कितने कितने नंबर के, सबसे पहले हम वो समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टैलेंट्स, ये है 4 नंबर का। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इसमें क्लोजेस, ये है 3 नंबर का। इसके बाद तीसरा टॉपिक है नरेशन, ये है 4 नंबर का। इसके बाद आता है चौथा टॉपिक वॉइस, ये है 2 नंबर का। और आखिरी टॉपिक मॉडल, ये है 2 नंबर। तो इस प्रकार से आपके 5 टॉपिक व्याकरण में दिए गए हैं। टेंस जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी टेंशन हुआ करती, लेकिन इसमें करेक्ट फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे नहीं दिया जाता है कि हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदलना, ऐसा प्रश्न नहीं दिया जाता है। इसमें केवल करेक्ट फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं,
जो रहेंगे आपके चार नंबर के। इसके बाद क्लोजेस, और ये रहेगा आपके तीन नंबर का। और अभी तक क्लोजेस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो केवल रिलेटिव क्लोजेस से संबंधित प्रश्न आए हैं। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, वेयर, व्हेन, इस प्रकार के जो शब्द दिए जाते हैं कोष्ठक में ब्रैकेट में, उनसे दो सेंटेंस को कनेक्ट करना रहता है। तो ये क्लोजेस हो गया आपने तीन नंबर का। इसके बाद हम चलते हैं नरेशन। नरेशन का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नरेशन जिसको हर विद्यार्थी जानता है और कुछ विद्यार्थी जानते भी नहीं कि नरेशन क्या है सर। तो नरेशन वो है बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि नरेशन कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। तो इसमें चार नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वॉइस। वॉइस जो दो भागों में विभाजित रहता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपके सिलेबस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाएगा और उसको किसमें चेंज करना अपने को, पैसिव वॉइस में। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पैसिव वॉइस का वाक्य देकर उसको एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए बोला गया। तो ये हो गया वॉइस आपके दो नंबर का। अगला है मॉडल जो आपके दो नंबर का। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, तो इस प्रकार से आपके मॉडल दिए गए हैं। तो टोटल अपना जो सेक्शन सी है वो हो गया आपके 15 नंबर का, जिसमें पांच टॉपिक आपको बता दिए गए कि ये पांच टॉपिक आप लोगों के आएंगे। नाइन्थ क्लास में आपने ये टेंस वाला टॉपिक पढ़ा है, इसके बाद नरेशन पढ़ा है, वॉइस पढ़ा है, मॉडल पढ़ा है। चार टॉपिक से तो आप अच्छी तरह से परिचित हो। ये नया टॉपिक आपके टेंथ में जुड़ा है क्लोजेस, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो ये 15 नंबर की व्याकरण होगी और इसको अंग्रेजी की रीड की हड्डी बोला जाता है। और एग्जामिनर अक्सर हमने देखा है कि एग्जामिनर जब भी आंसर शीट चेक करता है तो सबसे पहले वो व्याकरण वाले पोर्शन को चेक करता है, क्योंकि विद्यार्थी की इंटेलिजेंसी का पता वहीं से लगता है कि किस प्रकार से बच्चे ने व्याकरण को कवर किया है। तो सबसे बढ़िया मेहनत करनी तो सभी में मेहनत है, लेकिन अच्छे से मेहनत हमें व्याकरण में करनी है। और ये व्याकरण आपके भविष्य में भी बहुत काम में आएगी। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उनमें अधिकांश में इस प्रकार से व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया अपना सेक्शन सी कंप्लीट। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं वापस सेक्शन सी। ये हो गया आपने कितने नंबर का, 15 नंबर का। अब इसके बाद आखिरी सेक्शन सेक्शन डी, और ये है आपके 37 नंबर का सेक्शन डी। 37 नंबर का, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या क्या इसमें आता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोगों के जो अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है उसमें दो बुक चलेगी। पहली जो बुक है उसका नाम है गोल्डन बेल्स। गोल्डन बेल्स, और इसके बाद दूसरी जो बुक रहेगी रेगुलेशन, गोल्डन रेस। गोल्डन का अर्थ आपको पता ही है, सुनहरी, रेस किरणें, और रेजुलेशन बहुत सारे इसको रिसोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण रेजुलेशन है और इसका अर्थ होता है संकल्प। तो ये दो बुक आपके सिलेबस में है। गोल्डन रेस इसके अंतर्गत भी दो भागों में आपके इसमें गोल्डन रेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज का अर्थ होता है गद्य भाग, पोइट्री का अर्थ होता है पद्य भाग। अब उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले हम वो समझेंगे।
तो सबसे पहले हम इस बुक को डिस्कस कर लेते हैं, गोल्डन रेस दो भागों में है, जैसे ए आ गया प्रोज और बी आ गया पोएट्री। प्रोज और पोएट्री, अब प्रोज से संबंधित क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं वो समझेंगे। गद्य भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं एक और आपका फेवरेट चीज आपकी यहां पे आने वाली है, पैसेज, सीन पैसेज, जो आपके गोल्डन रेस के प्रोज से पूछे जाएंगे, गद्य भाग से पूछे जाएंगे, अथवा में नहीं आते, दोनों आते हैं। हर पैसेज में चार प्रश्न दिए रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहता है, तो चार नंबर का एक पैसेज हो गया, टोटल दो पैसेज आते हैं, तो टोटल पैसेज हो गए अपने आठ नंबर के इसमें से, तो इसमें हो गए दो पैसेज। कितने नंबर के? आठ नंबर। अब हम बात करते हैं चैप्टर की, तो प्रोज में जितने भी चैप्टर आते हैं इनमें जो पहला चैप्टर है, जो एक प्ले है, एक नाटक है, और उससे वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अकेले उस चैप्टर से पहले लेसन से तीन नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रश्न इसमें दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक प्रश्न करना रहता है और वो रहेगा आपके तीन नंबर का। अब बचे जितने भी चैप्टर आपके बचे, बाकी लेसन लिख देते हैं यहां पर, वो रहेंगे आपके तीन नंबर के। पहला चैप्टर कितने नंबर का होगा? तीन नंबर का। और अब जितने भी बाकी चैप्टर बचेंगे वो रहेंगे आपके कितने? तीन नंबर के। अब इनमें से कैसे, जैसे मान लो आपके 12 चैप्टर है, पहला को आप निकाल दो, अब बचे कितने? 11 चैप्टर। अब 11 चैप्टर में से दो प्रश्न पूछेगा वो अथवा में, और उनमें से आपको एक प्रश्न करना रहेगा और वो रहेगा आपके तीन नंबर का। तो पूरे बुक में से पहला चैप्टर कितने नंबर का? तीन नंबर का, और बाकी के चैप्टर कितने नंबर के? तीन नंबर के। तो बताओ सबसे शानदार मेहनत किसमें हो सकती है? लेसन नंबर फर्स्ट, जो कितने नंबर का है? तीन नंबर का। तो ये हो गया आपका प्रोज का भाग कंप्लीट, दो पेसेज हो गए आठ नंबर के, और इसमें भी जो चार प्रश्न वो पूछेगा हर पेसेज में, आखिरी प्रश्न वही रहेगा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच मीन, या फिर अपोजिट वर्ड वो पूछ लेगा। तो दोनों के मिला के दो हो गए, और दो दो ऊपर हमने पढ़े थे सेक्शन ए में, तो चार वो और दो ये छह, तो छह नंबर के तो मैं सिमिलर वर्ड ढूंढने पड़ेंगे पेसेज में से, बाकी के आंसर आपको पुटअप करने। तो ये सेक्शन डी का पहला भाग अपना कंप्लीट हो गया, गोल्डन रेस, जिसमें प्रोज वाला भाग जो था उसमें टोटल 14 नंबर का ये है, और इनमें से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, पोएट्री। अब पोएट्री में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे। तो पोएट्री जिसको कविता बोला जाता है, तो आपके सिलेबस में चार पोईम है, और चारों पोईम से सबसे पहले तो किसी भी दो पोईम से एक्सप्लेनेशन के लिए दो स्टंजा आपको मिलेगी, और दोनों स्टंजा में से एक स्टंजा की आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो किस कितने नंबर की वो होगी वो हम पहले समझ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन व्याख्या जिसको बोलते हैं, ये आएगी आपकी चार नंबर की, और इसके बाद दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें तीन आते हैं जिनमें से आपको दो करने रहेंगे, और एक प्रश्न रहेगा ढाई नंबर का,
हो गए ये पांच। तो इस प्रकार से पोइट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन पोइम में चार सॉरी चार पोइम में से किसी भी दो पोइम में से आपके स्टंजा दे दी जाएगी, आउटलाइन चार लाइनें पांच लाइनें जितनी भी होगी वो आपको दे दी जाएगी, उसी के अथवा में आपको चार पांच लाइनें और मिलेगी। जिस पोइम की आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपने जिस की बढ़िया याद कर रखी उसको उसका आंसर आप दे सकते हो आराम से। रेफरेंस लिखना रहेगा, These lines have been taken, जिसे हम लिखते आ रहे हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि उस चारों लाइनों में क्या भाव व्यक्त किया गया है, और उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी, और ये हो जाएंगे आपके कितने नंबर के, चार नंबर के। और बाकी दो प्रश्न आपको करने रहेंगे, तीन आएंगे जिनमें से कोई से भी दो प्रश्न आपको करने रहेंगे, और उन दोनों प्रश्नों ढाई नंबर का एक प्रश्न रहेगा, और ये हो गए पांच नंबर के। अब हम चलते हैं आखिरी सेक्शन डी का, आखिरी पार्ट क्या है इसको मिटा देते पहले। सेक्शन डी में हमने गोल्डन रेज वाली बुक डिस्कस की थी, इसके बाद हम चलते हैं दूसरी बुक रेगुलेशन, ये आपके 10 नंबर की आती है। 10 नंबर के इसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, और इसके बाद आखिरी जो आपके टॉपिक होता है, पहले वो सेक्शन ई में डाल दिया गया था लेकिन अब इसी में डी में इंक्लूड कर दिया गया, रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन, और ये रहेगा आपके कितने नंबर का, चार नंबर, ये आपके 10 नंबर की। तो टोटल हो गए आपने 37, 14 नंबर की प्रोज पोइट्री होगी, 10 नंबर के ये हो गए, और इसके बाद रोड सेफ्टी एजुकेशन कितने नंबर के हो गए, चार नंबर के। तो ये था आपका 10th का इंग्लिश का सिलेबस, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल से अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्याकरण का, ग्रामर का, टेंस। तो कल आपके पास कॉपी रजिस्टर या और इसके बाद पेन जो भी अवेलेबल हो तो वो अपने पास रखें, कल से आपको नोट भी करना रहेगा जो कल आपको पढ़ाया जाएगा। आज जो आपको सिलेबस पढ़ाया गया मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से प्लानिंग के साथ हम कल मिलेंगे। और पहला टॉपिक जो हमारा है टेंस, जिसमें करेक्ट फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कल हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।